नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे F-35 के बारे में। तो कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी, कि अमेरिका जो है भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है अगर भारत जो है रशिया के साथ S-400 डील जो है कैंसिल कर दे। अब वैसे तो इस बात में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ मीडिया स्पेकुलेशन है, लेकिन अगर ये सच भी है तो भी जो है भारतीय एयरफोर्स जो है इस F-35 को खरीदना नहीं चाहेगी और हमें खरीदना भी नहीं चाहिए। इसके कारणों पर जो है आज जरा बात करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इसके साथ जो है वो है इसकी कीमत। तो ये जो प्लेन है ये काफ़ी महंगा प्लेन है। F-35 का जो कॉस्ट है वो 98 मिलियन से लेके 120 मिलियन तक जो है जाता है। अलग तीन इसके वेरिएंट हैं, कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है, किस तरह का वेपनरी पैकेज आप ले रहे हैं, उसमें स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई का कैसे क्या ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो है वेरी करता है। तो एक तो जो है ये काफ़ी महंगा फाइटर प्लेन है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसको ऑपरेट करना सबसे ज़्यादा महंगा है। तो इसको 1 घंटा अगर आप उड़ाते हैं तो आपका खर्चा आता है $36,000। अब यही चीज़ जो है आप अगर रुपए में कर दें तो 25 लाख से ऊपर का खर्चा आ जाता है। तो सिर्फ एक प्लेन को आपने 1 घंटे उड़ाया और 25 हज़ार का सिर्फ जो है आपका इधर खर्चा हो गया। तो ये जो है भारतीय एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा बजट जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है, जो कि पेंटागन ने जो है रिपोर्ट की थी व्हाइट हाउस को, वो ये कहती है कि इस प्लेन की सर्विस लाइफ जो है बड़ी ही छोटी दिखती है। तो जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इस प्लेन का किया गया उसमें जो है दावा ये था कि 8,000 फ्लीट आवर्स जो है ये प्लेन चल सकता है, लेकिन टेस्ट में पाया गया है कि ये जो है 2100 घंटे के हिसाब से ही जो है ये चल पाएगा। और इसका मतलब ये है कि आज कोई प्लेन खरीदा जाता है तो 2026 में जो है वो रिटायरमेंट वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जो लाइफ आज के हिसाब से बनती है वो बनती है 10-15 साल, और ये भारतीय एयरफोर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, क्योंकि भारत में जो है प्लेन खरीदने का सोचने में ही हम 10-15 साल निकाल देते हैं, और उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट में हम कितने निकाल देंगे। तो हम एक ऐसे देश हैं जो कि मिग जैसे प्लेन को जो है 50 साल से ज़्यादा चला रहे हैं, तो ऐसा प्लेन जो है हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जिसकी बहुत ही कम सर्विस लाइफ हो। तो बहुत कम सर्विस लाइफ वाला प्लेन जो है हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए भी जो है हमें इसको लेना नहीं चाहिए। साथ में जो है इसकी अवेलेबिलिटी रेट भी जो है वो ख़राब पाई गई है। तो जिस तरह का दावा जो है लॉकहीड ने किया था उस तरह के जो है रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिले हैं। उन्होंने दावा किया था 80% अवेलेबिलिटी रेट का, लेकिन जो है ये अवेलेबिलिटी रेट आपको नहीं मिल रही है। तो एक तो क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है तो हम इसके ज़्यादा प्लेन ले नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 लेंगे 35 लेंगे, और उसमें से भी अगर अवेलेबिलिटी रेट ख़राब रहती है तो बड़ी ही मुसीबत हो जाती है। एक और बात यह है कि ये प्लेन अभी कॉम्बैट रेडी नहीं है। भले ही इसका एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन अभी भी इसमें कई सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, और अभी कोई जो है बैटल टेस्टिंग भी जो है इसकी नहीं हुई है। तो ये एक कॉम्बैट रेडी जो है प्लेन नहीं है, और भारतीय एयरफोर्स के लिए जो है एक ऐसा प्लेन लेना जिसके दुश्मन जो है चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं, एक नॉन कॉम्बैट रेडी प्लेन लेना जो है हमारे लिए सही नहीं होता है। तो ये चीज़ भी जो है हमारे अगेंस्ट चली जाती है। और एक और बड़ी समस्या इसके साथ ये है कि इसमें इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम इसमें इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है इस प्लेन में दूसरे देशों के हथियार को इजीली जो है यूज़ करने नहीं देगा। तो हमारे अधिकतर जो हथियार हैं वो रशिया के हैं, बहुत सी हमारी मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, कुछ रशिया की हैं, कुछ इसराइल की हैं, कुछ हमारी खुद की भी बनाई हुई हैं। तो उनको इंटीग्रेट करना जो है इसमें ईजी नहीं रहेगा। अमेरिका जो है इस मामले में बड़ा ही ख़राब उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ भी चीज़ों को जो है वो हाथ नहीं लगाने देता। तो वो मजबूर करेगा कि साथ में हमारे वेपन्स ही जो है इसमें यूज़ किए जाएं, और अगर इंटीग्रेशन करने भी दिया तो बड़ी ही मोटी कीमत जो है इसकी वो वसूल करेगा। तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम जो है हर देश को सामने आई है जिसने भी अमेरिका के हथियार खरीदे, यहाँ तक कि सऊदी अरब तक को जो है हाथ नहीं लगाने देता है अमेरिका जहाँ इंटीग्रेशन की बात आती है। तो ये जो है एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है इसके साथ रहेगी, इसलिए भी जो है हमें इसको नहीं लेना चाहिए। और साथ में एक और प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारा खुद का जो 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट जो ठीक ठाक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है
वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जब पैसा हमारा इधर चला जाएगा तो यहाँ पर जो है फंड फ्लो डिस्टर्ब होगा, और हमारे खुद की जो इंडस्ट्री जो अच्छा शेप ले रही है अभी नेसेंट फेस में है वो जो है डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसलिए भी जो है हमें इसको नहीं लेना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे कारण हैं इसको नहीं लेने के, फिर जो है इस तरह की मीडिया में खबरें क्यों आ रही हैं? तो खबरें आ रही हैं सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत। तो आपको मालूम हुआ कि भारत जो है अभी 110 फाइटर प्लेन खरीदने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ने जो है हमको F-16 ऑफर किया है, और F-16 का एक नया वेरियंट F-21 भी जो है ऑफर किया है। तो एक तरह से जो है इसी चीज़ के लिए मार्केटिंग की पिचिंग हो रही है, ये दिखा रहे हैं कि अभी जो है हम आपको F-21 दे रहे हैं जिसकी पूरी पूरी प्रोडक्शन लाइन हम यहाँ आपके यहाँ शिफ्ट करने को तैयार हैं, और फ्यूचर में जो है अगर हम आज इतना अच्छा कॉपरेट कर लेंगे, आपको इतना मिल जाए, तो फ्यूचर में हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का जो है एक PR स्ट्रेटेजी होती है कंपनियों की इस तरह का माहौल बनाने के लिए। तो ना ही अमेरिका की सरकार की तरफ से, ना ही कंपनी की तरफ से, और ना ही भारत सरकार की या भारत की एयरफोर्स की तरफ से इस खबर का कोई कंफर्मेशन किया गया है। तो ये सिर्फ जो है एक मीडिया स्पेकुलेशन है जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस तरह की खबरें जो है सामने लाई जा रही हैं, लेकिन ये जो है सच नहीं हो सकती हैं। तो ये रही मेरी आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट ज़रूर रखें, साथ में नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।